हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के बाद मैं आई गेस व्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई नो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रेक हो गया, ये 5-6 महीने के ऊपर हो गया। आई गेस मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला, कोई भी वीडियो नहीं डाला हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। मेरा काफ़ी ब्रांड्स के साथ में टाइप था तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा था, और दूसरा वाला जो हमारा चैनल है उस पर भी मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, स्पेशली इस चैनल के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मुझे इस चैनल पे, और मैंने पता नहीं सही से आप लोग को कंटेंट दिया कि नहीं दिया। लेकिन इस बार हम पूरे प्लान के साथ में आए हैं कि अभी मेरे पास अभी जो शूट कर रहा है वो एडिट करेगा मेरे सारे वीडियोज़, तो अभी मेरे पास एडिटर भी है, शूट करने के लिए भी है। तो अभी आई होप कि वीडियोस टाइम टू टाइम डिलीवर कर पाओ। और फिर से एक बार सॉरी कि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो मैंने इंस्टाग्राम पे बोल दिया है कि मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा बल्क कर लिया, तो अभी कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और कटिंग एज इन रिकम्पोजिशन आप लोग बोल सकते हो, रिकम्पोजिशन क्या है वो मैं कोई और वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन अभी आज हमारा आई गेस डे 6th या 7th है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आज डे 7th है। तो 7 दिन हुए हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट किया है, और ये लगभग 8 वीक्स का था ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था, लेकिन हम इसे अभी 12 वीक्स का कर रहे हैं, क्योंकि 8 वीक्स बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और उसमें हमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। तो इन डिटेल मैं आप लोगों को वीडियो में आगे आगे बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले तो जिम जाते हैं, और ये जो अभी ब्लॉग सीरीज रहने वाला है ये डेडिकेटेड टू जिम, डेडिकेटेड टू फिटनेस एकदम से नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे 70-80% फिटनेस होगा, बाकी सारी चीज़ें लाइफस्टाइल व्लॉगिंग आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि आज यू ऑल नो कि मेरे को व्लॉगिंग से, वीडियोस बनाने से कितना ज़्यादा प्यार है, जो कि मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था। इसीलिए फाइनली मैंने सोच लिया कि अभी स्टार्ट करते हैं, और जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, स्टार्टिंग में सपोर्ट दिखाओ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं इस बार कैसे भी करके दिखाऊंगा। और मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, दैट्स इट। बाकी व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे स्टार्टिंग में इतना नहीं देखूंगा, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये। चलते हैं सीधा जिम में। तो अभी जिम जाने से पहले एक ड्रिंक पीते हैं, जो कि मैं यूजुअली प्री वर्कआउट में पीता हूँ, उससे बहुत ही क्रेजी पंप आता है। और इसमें कोई भी कैफीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं यूजुअली कैफीन इनटेक नहीं करता, और मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने कुछ कैफीन इनटेक किया है, और रोज़ मैं वही ड्रिंक पी रहा हूँ। और वो ड्रिंक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग देखना, और अगर हो सके तो एक बार ट्राई भी कर लेना। चलते हैं, सबसे पहले ड्रिंक पी लेते हैं। सो गाइस, ये है वो जूस जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये मैं रोज़ प्री वर्कआउट में पीता हूँ। इसमें बीट, गाजर और आंवला, जिसको मराठी में आंवला भी बोलते हैं, और थोड़ा सा काला नमक, इससे पम्प बहुत ही क्रेजी आता है। मैंने थोड़ा सा पी लिया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलो ठीक है, इसे पम्प बहुत ही क्रेजी आता है, और ट्राई करना एक बार अगर आप जिम जाते हो तो, जिम के आधे घंटे पहले ट्राई कर लेना, एकदम से जिम के पहले मत पीना वरना बाहर आ जाएगा। तो ट्राई करके देखना, अभी फिलहाल तो मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ और उसके बाद जाते हैं जिम। आज है हमारा लेग्स, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लेग्स में क्या क्या करने वाला है, बहुत क्रेजी सेशन होने वाला है आज का। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एक और चीज़, इसका टेस्ट स्टार्टिंग में आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन विद टाइम टेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कड़वा लगेगा, एडजस्ट कर लेना। ये नहीं है, दो नहीं दिखा रहा है, क्या वाक लगा रहा है भाई क्रेजी हो गया अभी सीन। पहले हमने पहले हमने प्रेस किया तो ए दिखाया, फिर हम ए के पास खड़े थे, ए पे आया नहीं, डी पे आया, फिर डी पे गए तो वापस ए पे आया। क्या भाई, देखा आप लोग ने बहुत टाइम के बाद ये देख रहे हो, कैसा लग रहा है? ओके सो गाइस, जिम आ चुके हैं हम लोग, और आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं लेग्स, और लेग्स में मैं टोटल 4 वेरिएशंस लूँगा, और मैं ज़्यादा हैवी नहीं ट्रेन करने वाला, क्योंकि लेग्स में मुझे, मेरा जो लेग्स का मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा हैवी ट्रेन नहीं करता, क्योंकि इसके पहले भी मुझे इंजरी हो चुकी है, उसके बाद मैं अभी रिकवर हुआ हूँ। तो लेग्स में हमेशा मैं क्वालिटी चूज़ करता हूँ ओवर क्वान्टिटी। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या वेरिएशंस मैं करने वाला हूँ,
सो लेट्स गो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बाय द वे, सुबह आज हमने वेट चेक किया था, तो सुबह वेट था आई गेस 87.2 के आसपास, और जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था लास्ट मंडे आई गेस, तभी 88.2 था, तो 1 kg का डिफरेंस है, 1 kg ड्रॉप हुआ है। और स्टार्टिंग में आई गेस ऐसे थोड़ा सा फास्ट होता है जो भी वेट है वो, लेकिन अभी हम बहुत ही ज़्यादा स्लो ड्रॉप करने वाले हैं, सो इसीलिए हमने 8 weeks का 12 weeks कर दिया है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। भाई कॉर्ड ऐसा पेन कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेग्स के पहले। सो गाइज वार्म अप डन, अभी हम स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे जो कि मेरे लोअर बॉडी के मेजॉरिटी मसल्स को टारगेट करेगा, जैसे कि क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, फिर लोअर बैक, इवन एब्डोमेन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्री स्क्वाट करूँगा जिससे कि थोड़ा सा बॉडी जो है वो गर्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वरना डायरेक्ट अगर मैं ये करूँगा तो शायद इंजरी हो सकती है। सो यस, फ्री स्क्वाट्स पहले। पूरा डीप जाऊंगा। टेन, 11, 12, 13। सो अभी सेकेंड सेट जो करूंगा मैं वो सिर्फ बारबल के साथ में करूंगा, और ऐसे मैं 3 वार्म अप सेट करता हूँ, एक बॉडी वेट, एक बारबल के साथ, और उसके बाद फिर 10 kgs का डाल के। सो लेट्स डू इट। सो गाइस स्टार्टिंग विद 10 kgs, मतलब 20 kg इन ऑल, मैं बार का वेट नहीं गिनता। 1, 2, 3, 4, भाई 12 reps गए। I was not sure कि 12 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि legs में सच बोलूँ तो मेरी फटती है स्क्वाट्स में, क्योंकि मैं स्क्वाट्स में ही मैंने इंजरी लेके बैठा हूँ, तो बहुत डर के मारता हूँ स्क्वाट्स। बट पता नहीं आज थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, बट इस ब्लॉक करने का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है क्योंकि बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ। सेवेंटी केजीज ट्राई कर रहा हूँ 8 to 10 के बीच में रखने के लिए, होपफुली 10 जाए। लेट्स सी। वन टू थ्री इजी, टू थ्री फोर फाइव, लास्ट फाइव फोर थ्री टू
1 10 reps and we are done. अभी सोच रहा हूँ मैं बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम से हमने 20 kg ज़्यादा मारे, तो इस बार बढ़ाऊँ या अगली बार बढ़ाऊँ वो समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। सेकेंड वेरिएशन लेग एक्सटेंशन और स्क्वाट्स में मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे को सिर्फ वीडियो के लिए ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जितना किया था उससे 20 kg ज़्यादा आज किया, और मैं लेग्स में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, वीडियो के लिए मैं इंजरी करके लूँ मतलब नहीं बनता। सो यस, वी आर गोइंग विद लेग एक्सटेंशन 4 sets और इसमें एकदम फेलियर तक जाएंगे। सो लेट्स गो। मेरा लेग्स वर्कआउट देख के अगर आपको लग रहा है कि ये एक बिगनर का लेग वर्कआउट है, इतना बिगनर एक वेट उठाता है, तो चलेगा, मैं बिगनर हूँ लेग्स वर्कआउट में, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपने टांगों के साथ में, वीडियो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। थ्री इजी 4 5 6 7 8 9 10 Easy 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट वेरिएशन गाइस, लेग कर्ल्स हैमस्ट्रिंग के लिए, और इसके बाद वी आर डन। अभी मेरी हालत ख़राब हो गई है, और इसके बाद जाके घर पे खाना भी बनाना है, मील भी बनाना है, और वो खाना है। ईजी 12 reps 1 2 3 6 7 8 9 फू कैंप आ रहा है, 10 11 last 12 done। और calf raises मैं आज नहीं करूँगा, calf raises मैं जब मेरा leg day नहीं होता है तो मैं usually रोज़ ऐसे इधर उधर calf raises करते रहता हूँ, उसकी वजह से calves आप लोग देख सकते हो, calves की size अच्छी खासी हो गई है, ये देखो इधर भी देखो काफ्स अच्छे खासे बने हुए हैं, क्योंकि मैं उनको ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज ऐसे ही ट्रेन करते रहता हूँ, दो दो तीन तीन सेट मारते रहता हूँ। सो गाइस, बैक टू स्टूडियो, और अभी ये हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, रोटी और सब्जी है, मम्मी ने बनाया था, और अभी प्रोटीन सोर्स के लिए दिस इज एग्स, मैंने टोटल 6 अंडे बनाए थे, उसमें से थोड़ा मैंने इसको दिया और बाकी मेरे पास है यहाँ पे, क्योंकि काप्स के साथ में, ये दोनों भी काप्स सोर्स है, काप्स सोर्स के साथ में एक प्रोटीन सोर्स जब आप फैट लॉस कर रहे हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, खा लेते हैं। मैं कपड़े भी चेंज नहीं किए, चलो मिलते हैं अभी। सो गाइस, खाना खा के भी हो गया है और वीडियो एडिटिंग भी डन, वीडियो एडिटिंग डन बाय साहिल काट कर, तू फोकस में नहीं है, रुक, हाँ अभी देख फोकस में तू, हाँ अभी भी नहीं है, अभी दांत दिखा, ब्रश नहीं किया है,
मेरी शक्ल पे फोकस मत करो क्योंकि मेरे को अभी सुबह नहाया हूँ मैं, अभी वापस नहाना है। तो बस आज के लिए मैं व्लॉग इतना ही रखता ऑलरेडी, क्योंकि व्लॉग 12-13 मिनट के ऊपर जा चुका है। और एक और बार मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, एक और बार नहीं पहली बार बोल रहा हूँ शायद, व्लॉग्स थोड़े लंबे आएंगे क्योंकि मैं व्लॉग्स कम्प्लीटली रॉ रखने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मुझे पसंद है रॉनेस, वो पूरा रॉनेस व्लॉग में आना चाहिए। इसीलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे रॉ वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों से उसी तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। सो यस, अभी धीरे धीरे करके व्लॉग्स की क्वालिटी और थोड़ा स्टोरी लाइन वगैरह पे काम करेंगे। अभी बस ना ख़त्म कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और दैट्स इट। तो कुछ बोलना है? सब्सक्राइब करो डेंजर 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 का आधा कापलस मिल गया इसका, इसका मराठी बहुत भारी है। चलो बाय द वे, ये कैमरा से हमने पहली बार व्लॉग किया है, कैसा लगा क्वालिटी कमेंट सेक्शन में बताओ। सी यू गाइस, बाय बाय।